के साथ। सदियों की परंपरा का निर्वाह करने के लिए काशी मानो मथुरा और तुलसी घाट पर गंगा मानो कालिंदी बन गई। हर हर महादेव और जय कन्हैया लाल की के उद्घोष से गंगा का किनारा शाम होते ही गूंज उठा। आस्था का सागर मानो गंगा तट पर लहरों की भांति हिचकोले खाते और लीला का आनंद उठाते नजर आया तो शिव नगरी मानो कन्हैया की नगरी में कुछ पल के लिए तब्दील हो गई। कदम की डाल पर चढ़कर गंगा की लहरों में कूदे भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप तो आस्था से गंगा तट पूरी तरह निहाल नजर आया। डमडम कर डमरू बजाते दल ने माहौल को भक्ति के रस से सराबोर कर दिया। तुलसी घाट पर चल रही कालिया के मानमर्दन की लीला का अवलोकन करने लोग पहुंचे तो उत्साह चरम पर नजर आया। इस दौरान कंदुक क्रीड़ा करते भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप का शाम 4 बजे के बाद आगमन हुआ तो कौतूहल सहज नजर आने लगा। आस्था का सागर गंगाधार पर कालिया नाग को नाथने की लीला देखने के लिए उत्सुक नजर आया तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद करने के लिए जल पुलिस भी गंगा की लहरों पर सक्रिय नजर आई। काशी के एक और लखा मेले में शुमार नाग नथैया में भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखने के लिए राज परिवार और वेद पाठी बटुकों के साथ ही प्रशासन और काशी के आस्थावान उमड़ पड़े। परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण नदी के तट पर गोपियों और संगियों के साथ गेंद खेलते हैं। गेंद खेलते खेलते नदी में जाने पर सभी कालिया नाग के भय की वजह से गेंद निकालने से डर जाते हैं। कालिया नाग का भय लोगों में देखकर भगवान श्री कृष्ण नदी में छलांग लगा देते हैं। थोड़ी देर में ही कालिया नाग का मान मर्दन करने के बाद कालिया के फन पर श्री कृष्ण मुरली लिए नृत्य करते नजर आते हैं तो चारों दिशाएं हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के उद्घोष से गुंजयमान हो उठता है। इसी के साथ ही परंपराओं के अनुरूप काशीराज परिवार की ओर से आयोजन के लिए सोने की गिन्नी भेंट करने की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। ये कृष्ण लीला का एक लीला है आज जो नागरथिया लीला हम लोग कहते हैं। इसमें जो यमुना प्रदूषित हो गई थी काली नाग के रहने से उसमें तो इतना विषाक्त जल हो गया था कि कोई उसका जल भी पी नहीं सकता था, उसके तट पे जा भी नहीं सकता, तो उसके वाष्प से इवन जो पक्षियां हैं वो गिर के मर जाती थी कालीदह में। तो कृष्ण जी ने गेंद खेलने के बहाने गेंद चला जाता है, उस बहाने वो यमुना में छलांग लगाते हैं और काली नाग को उद्वासित करते हैं और यमुना फिर पवित्र हो जाती है। आज के कंटेक्स्ट में भी वही है कि आज गंगा जी उन्हीं विषधरों के कारण जो हम लोग पॉइंट सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन कहते हैं, नालों के द्वारा आज गंगा जी का जल पीने योग्य नहीं है, वो विषाक्त हो रहा है। तो एक मैसेज ये है कि अगर यमुना पवित्र हो सकती हैं तो गंगा को भी अगर आप इन नालों को आप बंद कर दें, इन विषधरों का विष डालना गंगा में बंद कर दें तो गंगा आज भी उसी तरह सात्विक रहेगी। लीला बहुत ही अच्छी होती है, बनारस की एक पारंपरिक लीला, यहाँ पे बहुत ही मशहूर लीला है और ये लीला बहुत बरसों चले। मेरे घर के लोग यहाँ पे, जब मेरे चाचा दादा पापा मेरा खुद का भाई 7 साल बना है कृष्ण जी, और अब मैं बहुत 4-5 साल बाद मैं खुद देखने आई हूँ और वही लीला उसी तरह लगी है। बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया देखने में। सच के साथ।